असा विहाने गुणो गुणो असा विहाने गुणो गुणो द्रव्य गुण प्रयुक्ति संपद्यते अर्थाशयलिंग नाम भी विशुद्ध विज्ञान घन सूपता। असो भगवान, ये संसार अनेक विभिन्न गुण गुण अगुण दिव्य अद्वर या कृतज्ञ जिसमें द्रव्य भौतिक गुण क्रियाकार उक्ति भी विभिन्न मंत्रों को चढ़ संपद्यते पूजा जाता है। अर्थ हित आशय प्रयोजन इंद्र रूप नाम भी नाम विशुद्ध कर्म सहित विज्ञान विज्ञान घन धनी स्वरूपता अपने निजी रूप अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक आकर्षित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्माएं कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु विभिन्न भौतिक तत्वों अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञ कर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तात्पर्य वेदों में भौतिक संपन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुतियां की गई। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों तथा देवताओं समेत समस्त जीवात्माओं को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार यज्ञ करने का उपदेश दिया। सहा यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, इन्हें यज्ञ कहा गया है क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य भौतिक लाभ की प्राप्ति है, किंतु साथ ही इनका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी रहता है। अतः वेदों में ऐसे यज्ञों की संस्तुति की गई है। ऐसे कार्य कर्म कांड कहलाते हैं। ऐसे कार्य क्या होते हैं? कर्म कांड। कर्म कांड प्रकृति के तीन प्रकार के गुणों से संरक्षित रहते हैं। सामान्य रूप से कर्म कांड के अनुष्ठान रजोगुण में किए जाते हैं, किंतु बद्ध जीवों अर्थात मनुष्य तथा देवताओं दोनों को ही यज्ञ करने होते हैं क्योंकि इनके बिना कोई नहीं रह सकता। तिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ये कर्म कांड अनुष्ठान भले ही संतुष्ट हो किंतु इनमें कुछ ना कुछ भक्ति रहती है, क्योंकि जब कभी यज्ञ किया जाता है तो भगवान विष्णु को मध्यवर्ती स्थान प्रदान किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यत् किंचित प्रयास भी भक्ति है और यह अत्यंत मूल्यवान है। तो कल हम लोग जिस पे बात कर रहे थे वो था कर्म मिश्र भक्ति। भक्ति कर रहे हैं पर थोड़ा सा कर्म मिश्र, इसलिए बताया गया था कि मन वाणी और कर्म और शरीर से भगवान की जो भी काम करें अपने वर्णाश्रम के साथ करें भगवान को अर्पण करते हुए करें। ठीक है, तो वो हो गया, उसे कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति। उसके पहले बताया था शुद्ध भक्ति, ठीक है, शुद्ध भक्ति, फिर कर्म मिश्र भक्ति। आज जो है ये है मिश्र भक्ति, मिश्र कर्म। मेनली आदमी कर्म कांड कर रहा है तो थोड़ा तो भक्ति उसमें मिली है। ठीक कल था क्या? कर्म मिश्र भक्ति, माने कर्म में कर तो रहा है भक्ति लेकिन थोड़ा सा कर्म भी मिक्स है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? उसमें कुछ नहीं मिक्सता, कर्म ना ज्ञान कुछ मिक्स नहीं, शुद्ध भक्ति प्योर। लेकिन जो बात कल हुई वो थी कर्म मिश्र भक्ति, यानी कि भक्ति में थोड़ा कर्म भी मिश्र है। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है भक्ति मिश्र कर्म, यानी कि कर्म मेनली क्या कर रहा है आदमी? कर्म कर रहा है और उसमें थोड़ी सी भक्ति मिलाई। ठीक है, तो रंज मात्र भक्ति अनुष्ठानों की भौतिक प्रकृति को शुद्ध बनाती है और भक्ति से अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते। अतः यद्यपि ऐसे यज्ञ ऊपरी तौर पर कर्मकांड रहते हैं उसके फल दिव्य होते। कुछ यज्ञ जैसे सूर्य यज्ञ इंद्र यज्ञ तथा चंद्र यज्ञ देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते हैं क्योंकि ये देवता भगवान के शारीरिक अंग होते हैं। ये देवता कोई भी आहुति अपने निमित्त स्वीकार नहीं कर सकते किंतु वे भगवान के लिए स्वीकार कर सकते। ये वैसा ही जैसा कि सरकारी कर टैक्स वसूल करने वाला अपने लिए टैक्स संग्रह न करके सरकार के लिए टैक्स की वसूली करता है। किसी भी यज्ञ को जैसे टैक्स वाले जो होते हैं वो अपने लिए थोड़ी टैक्स लेते हैं, सरकार के आदेश पे
पे हमसे टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो देवी देवता है उनकी अगर पूजा जो है वो वैसे ही है, वो उनको हम देंगे, वो ऊपर भगवान को, ऐसा ठीक है। तो किसी भी यज्ञ को जो इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान तथा बोध के साथ किया जाता है, भगवत गीता में ब्रह्मार्पणम भगवान को अर्पित यज्ञ कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई यज्ञों के फल को नहीं रोक सकता। इसलिए भगवान का कहना है कि वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तप्तम सर्वलोक महेश्वरम, इसी दृष्टि से यज्ञ संपन्न होने चाहिए। भगवत गीता का कथन है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अविर ब्रह्मात्म ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कृष्ण भावना में पूर्णतया मग्न है उस पुरुष के लिए भगवत नाम की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वह उन ब्रह्म क्रियाओं के परायण रहता है जिसमें ब्रह्म ही अति गति है और अर्पित अभी भी ब्रह्ममय है। यज्ञकर्ता को सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों में वर्णित यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। जो भी यज्ञ की विधि बताई गई है वो किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। विष्णुर आराध्यते पंथा, ठीक है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसे वास्तविक यज्ञ समझना चाहिए। और ऐसे यज्ञों के करने से भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। भवबंधन से मुक्ति पाने की प्रत्यक्ष विधि भक्ति है, जो निम्नलिखित 9 प्रकार की होती है। भक्ति किस तरीके से, 9 विधा, नविधा भक्ति जिसे कहते हैं, 9 विधियां हैं भक्ति करने की। क्या है वो? कृष्ण की भक्ति करने की 9 विधि, ठीक है। क्या है वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। इस श्लोक में वर्णित नवदा भक्ति को विशुद्ध विज्ञान घन कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु के रूप में दिव्य ज्ञान केंद्र करके भगवान को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि यही है। जो इस प्रत्यक्ष विधि को नहीं अपना पाता उसे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अप्रत्यक्ष विधि अर्थात यज्ञ को अपनाना चाहिए। इसलिए विष्णु को यज्ञपति कहा जाता है, श्रियापति, यज्ञपति, जगतपति। श्रवणम माने भगवान के नाम को सुनना, कीर्तनम भगवान के नाम का कीर्तन जप करना, तो भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा बोलना, भगवान के नाम का कीर्तन सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना। स्मरणम भगवान को स्मरण करना, ध्यान लगाना भगवान के रूप के ऊपर, भगवान के चरण की सेवा करना, भगवान की अर्चना करना है, पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान की एक सर्वेंट, एक दास की जैसे सेवा करना, ठीक है, और भगवान की मित्र के जैसे भगवान की सेवा करना, और सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना। ये 9 विधियां हैं भक्ति, जो ये डायरेक्ट विधियां हैं, सीधे कृष्ण को हम करते हैं। जो इनको नहीं कर पाता, जो नहीं समझ पाता इनको, ये वैसे तो सरल है लेकिन समझने की तो बुद्धि चाहिए, तो नहीं समझ पाता उसको इनडायरेक्ट विधि बताई गई है। इनडायरेक्ट विधि क्या है? हवन करना, यज्ञ में आहुति देना, वो सब क्या है? इनडायरेक्ट विधि है। तो जो ये नहीं कर सकते उनको वो करना चाहिए, वो करना थोड़ा कठिन है। श्रवण कीर्तन आसान है, कलयुग में और आसान है श्रवण कीर्तन करना, ठीक है। परम पुरुषोत्तम भगवान का गहन विज्ञान सर्वोच्च बिंदु पर संकेंद्रित है। उदाहरण औषधि विज्ञान ऊपर ऊपर जानता है कि डॉक्टर लोग ठीक से नहीं जानते कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है, किंतु श्री कृष्ण हर वस्तु को विस्तार से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत विज्ञान का एक दोष नहीं है। भगवान विशुद्ध विज्ञान घन है, अतः यद्यपि वे कर्म कांडी यज्ञों को स्वीकार करते हैं तो भी वे दिव्य पद पर बने रहते हैं। फलतः अनेक गुणों से भगवान के बहुत से दिव्य गुणों का परिचय मिलता है, क्योंकि तो भौतिक गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। ये बात बार बार बताई जा सकती है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों का प्रभाव हर जीवात्मा के ऊपर है, लेकिन भगवान जीवात्मा नहीं है, भगवान है परमात्मा, भगवान है सुप्रीम, भगवान कृष्ण। तो उनके ऊपर ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का असर नहीं पड़ता,
माया का असर कृष्ण पर नहीं पड़ता, बल्कि माया उल्टा कृष्ण के अंडर काम करती है, कृष्ण के नीचे। ठीक है। तो फलता नहीं गुणों से भगवान के बहुत से दिव्य गुणों का परिचय मिलता है, क्योंकि वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां एवं भौतिक तत्व क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत होते रहते हैं, क्योंकि अंततः भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमात्मा से खुद है, जो साक्षात्कार तथा शुद्धि की विशेष का बोध होता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण गुरु महाराज हैं, जिन्होंने गुरु महाराज कहानी अभी आपको कुछ दिन पहले सुनी थी, जिन्होंने भौतिक लाभ के लिए जंगल में जाकर ध्यान धारणा किया, किंतु अंत में आध्यात्मिक रूप में इतने आगे बढ़ गए कि भौतिक लाभ के लिए उन्होंने किसी प्रकार के वर की चाह नहीं की, कुछ नहीं चाहिए। वे तो परमेश्वर की संगति से ही परम तुष्ट थे। आशय का अर्थ है संकल्प। सामान्य रूप से बद्ध जीव में भौतिक लाभ का संकल्प होता है, कि जब यज्ञ के द्वारा भौतिक लाभ की आकांक्षाएं तुष्ट हो जाती है तो मनुष्य को उत्तर आत्मपद प्राप्त होता है, तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अगर कोई व्यक्ति है, चाहे अकामी हो माने भक्त हो, कोई इच्छा नहीं है, सर्व कामी माने कर्मी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मोक्ष कामी मोक्ष चाहता है, वो ज्ञानी है योगी, तो भक्ति की प्रत्यक्ष विधि द्वारा तीव्रेण भक्ति योगे न भक्ति योग के द्वारा क्या करना चाहिए, जेत पुरुषम परम, उसको भगवान की जो है उपासना भगवान की भक्ति योग के द्वारा भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार वह एक ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो कुछ भी हो, हर परि अगर आपकी इच्छा है तो, इच्छा नहीं है तो, है ना, मतलब आपको किसी को बहुत कुछ चाहिए, बहुत भौतिक इच्छा है तो भी, कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो भी, और मुक्ति की इच्छा तो भी, हर परिस्थिति में जाना किसके पास चाहिए, कृष्ण के पास। ठीक है। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एषा प्रतिपद्य चेतना क्रिया फलत्वेन विभुर् विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः। ठीक है। प्रधान प्रकृति काल समय आशय अभिलाषा धर्म प्रतिपरक संग्रह समुच्चय में शरीरे शरीर में ऐसा यह प्रतिपत्ति स्वीकार करके चेतनाम चेतना क्रिया कार्य के फलत्वेन फल से विभु भगवान विभाव्यते प्रकट होती है, यथा जिस प्रकार अनला अग्नि दारु काष्ठ तत्व गुण आत्म का आकार तथा गुण के अनुसार भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति काल अभिलाषा तथा वृत्ति परक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित हो, जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक ही अग्नि में प्रकट होती है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के निरंतर रहते हैं, हमेशा भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा वास करते रहते हैं। प्रत्येक जीव प्रकृति द्वारा दिए हुए भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है, भौतिक अवयव काल के वेग से सक्रिय होते हैं, और इस तरह प्रकृति के तीन गुण प्रकट होते हैं, सत्व रजोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों के साहचर्य से जीवात्मा किसी प्रकार का शरीर विकसित करता है। ठीक है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन ही है, तो ये तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलते हैं तो अलग अलग तरह के शरीर पैदा होते हैं। पशु जीवन में तमोगुण ज्यादा होता है, जो जिनके में तमोगुण ज्यादा, जो मिक्सचर में तमोगुण ज्यादा आया वो लोग जानवर का शरीर पाते हैं। ठीक है। क्यों? इससे ऊपर उन्हें भगवान का जानकारी भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता, यद्यपि उस पशु जानवर के हृदय में भी भगवान विद्यमान रहते हैं, लेकिन तमोगुण के कारण वो नहीं समझ पाते। किंतु मनुष्य जीवन में चेतना के विकसित होने के फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मों से क्रिया फलत्वेन तमो तथा रजोगुणों को ऊपर जा सकता है, तमो तथा रजोगुण को लांग कर सत्वगुण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को यही सलाह दी जाती है, क्या, कि वो आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति का संग करे। सबसे बढ़िया सलाह देनी है तो क्या दे सकते हैं, कि जो भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, उसकी संगति करें। ठीक है। तो हम जल्दी से जल्दी प्रगति के तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। मुंडो मुंडो
मुंडक उपनिषद 1:2:12 का आदेश है, तद विज्ञानार्थम सर्वाभिगच्छे, जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति समझने के लिए मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। अगर हमें ये वास्तव में समझना है कि हम कौन है, हमारा कृष्ण के साथ असली संबंध क्या है, हमको भले लगता है कि कृष्ण हमारे ये हैं वो हैं, कुछ भी लग सकता है, लेकिन अगर हम वास्तव में कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वो साइंस को समझना चाहिए, कृष्णा भक्ति का साइंस। और उसको पढ़ाने के लिए हमें कौन में चाहिए, गुरु चाहिए। तद विज्ञानार्थम तद गुरु अच्छे, उस विज्ञान को समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु मेवा भी अच्छे, ये तो अनिवार्य है, मैंडेटरी चीज है, जाना ही जाना गुरु को, बिना गुरु के पास जाए कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना गुरु की कृपा के कृष्ण कभी भी नहीं मिल सकते। यस्त प्रसादात भगवत प्रसाद हो यस्त अप्रसादात ना कुंती कोपी, अगर गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा में होगी, अगर गुरु की कृपा नहीं हुई तो किसी कोई भगवान कृपा नहीं। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, इसका भाव यही होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगत से मनुष्य में भगवान के प्रति चेतना जागृत होती है। जब गुरु के पास जाएगा तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भगवान की चेतना जागृत होगी, नाम जप करने का मन होगा, कथा सुनने का मन होगा, भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा, ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रगति कृष्ण भावनामृत किसे कहते हैं, जब व्यक्ति हमेशा कृष्ण की भावना में रहता है, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहता है, जो करता है कृष्ण से संबंधित करता है। ठीक है, प्रगति द्वारा दिए गए शरीर के अनुसार चेतना बनती है, जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की सुविधा के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्वान भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत है, अग्नि वही रहती है, ईंधन या काश के आकार के अनुसार अग्नि होती है, चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्कृति की जाती है, मनुष्य जीवन में बहुत सारा भजन तप ये सब करना चाहिए, जिनका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। निशेनी की तरह योग की अनेक सीढ़ियां, आपने लैडर देखा होगा ना, छत पे चढ़ने की ऊंचाई पे चढ़ने के लैडर होता है ना, सीढ़ी, तो ऐसे योग में भी सीढ़ी होती है से चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जाता है, और इन्हीं सीढ़ियों के स्तर के अनुसार व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग में स्थित माना जाता है। निसंदेह भगवान के साक्षात्कार की निश्चयनी में सबसे ऊपर सीढ़ी भक्ति योग की है। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास के अनुसार मन को अपनी आत्मसत्ता का बोध होता है, और इस प्रकार उसके ऊर्जा शुद्ध होने पर स्थित होता है जो अनंत है। अतः चैतन्य के रूप में भगवान द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है, सबसे आसान तरीका भगवान तक पहुंचने का है भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है, इससे चेतना के तक पहुंचा जा सकता है, जिस पद पर भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, भगवान से फेस टू फेस मिल सकते हैं, परमेश्वर के परम साक्षात्कार विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के आदेश प्राप्त है, जिसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है, ये यथाते भगवान का साक्षात्कार मनुष्य द्वारा समर्पण के अनुपात होता है, जितना हम भगवान को समर्पण करेंगे उतना भगवान की हमें कृपा और साक्षात्कार मिले। ठीक है, जिसने पूर्णतया भगवान को समर्पण कर दिया है उसको भगवान भी पूर्णतया मिल जाते हैं, और जिसने अभी थोड़ा रिजर्वेशन रखा है वो उसको भगवान भी उतना रिजर्वेशन रख के चलते। ठीक है, जो भगवान से बिल्कुल पास जाना चाहता है भगवान उसके पास आ जाते हैं, और जो भगवान से थोड़ा दूरी बना के रखता है उससे भगवान भी थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्यादा मत करो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करो, थोड़ा थोड़ा अपना सब काम भी करते रहो, तो भगवान भी ऐसे करेंगे, थोड़ी थोड़ी कृपा देंगे, थोड़ी थोड़ी नहीं देंगे। जिसने कहा कि पूरा भक्ति ही करनी है जीवन में और कुछ नहीं करना है,
तो उसको कृष्ण भी पूरा 100% उसके साथ ही रहे, कुछ ऊपर कृपा करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, भगवान जनता ज्ञान मान नाम प्रपत्ति। ठीक है, 36वां श्लोक, अहो ममामि वितरन्तनुग्रहं हरिं कुरुं यज्ञभुजामत्करं स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं चोडितले व्रता। अहो हि सर्वं मेरे, अभी मैं वे सब वितरन्ति बांटते अनुग्रहं कृपा हरिं भगवान कुरुं परम यज्ञभुजाम यज्ञ की बलि ग्रहण करने के बाद सभी देवता अधीश्वरं परम स्वामी स्वधर्म पितरं कर्म के योगेन पर परिचित करते माम का मेरे पृथ्वी तल पर दृढ़ व्रता दृढ़ संकल्प के साथ। भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी तथा भूता है, राशि वे परम गुरु की है। इस तल के साथ आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं उस पर परम अनुग्रह करें, अतः एक नागरिक को मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर महाराजा प्रथम ने अपने प्रजा को इस तरह से आदेश दिया। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि मेरे प्रजा के लोगों, भगवान जो है परम भोक्ता है, समस्त यज्ञों के फलों के स्वामी है, वे ही परम गुरु हैं, और इस दल के सभी नागरिक आप सब लोग जो है आप अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, इससे आप बड़ी कृपा कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। महाराज पृथ्वी ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वो दो रूपों में समाप्त होता है। उन्होंने बारंबार नव दीक्षितों को तो अपने जो नए लोग हैं उनको अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा अंतर्यामी के रूप में परम परमेश्वर की भक्ति लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का विशेष जो परम पुरुष को चैत्य गुरु के रूप में संकेत करता है, भगवान भी परमात्मा के रूप में हमारे गुरु होते हैं और हमको दिशा निर्देश देते हैं। परमात्मा रूप भगवान सबों के हृदय में स्थित है और प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान सबको प्रेरणा देते हैं कि मेरे पास आओ, इसलिए वो आदि गुरु है और वे बद्ध जीव को आंतरिक तथा बाह्य रूप से सहायता करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु कहा गया है। किंतु ऐसा लगता है कि पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज अधिकांश से भक्ति लगे हुए, सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था और बहुत ज्यादातर लोग भक्ति कर रहे थे पहले से। ठीक है, इसलिए उन्होंने उन सबों को भक्ति करने तथा इस प्रकार पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु महाराज ने कहा कि आप सब लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कौन आप राज्य के नागरिक को आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भक्ति करके मुझ पर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं तो जो राजा होता है, राजा का काम है कि सारी प्रजा भक्ति करे। ठीक है, और राजा प्रजा भक्ति कर रही तो राजा का काम सही चलता है ना, तो इसलिए राजा उन पर कृपा, राजा कह रहे हैं आप लोग भक्ति करके मुझ पर कृपा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो राजा उनको बहुत धन्यवाद दे रहा है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में जिस राज्य में प्रजा तथा राजा अध्यक्ष भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है वो चैत्य गुरु के रूप में हमको दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो मतलब हमको हृदय से अंदर से भगवान सिखाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बाहरी रूप में भगवान हमारे गुरु के रूप में हमें सिखाते हैं कि ये करो ये मत करो। तो कई बार हमको मन में ऐसी लगने लगेगा कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए, तो कोई मन में विचार आएगा कि ऐसा करो, तो ये कैसे पता चले कि वो मेरे मन का विचार है या वो भगवान परमात्मा के रूप में हमें कह रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे लगने लगता है करें ना करें, मन में तो आया है लेकिन अगर मन की सुनेंगे तो फंसेंगे, लेकिन अगर मन अंदर से ही आवाज आ रही है तो परमात्मा भी ऐसे बोल सकता है। तो जो अंदर से आवाज आ रही है कुछ करने की वो परमात्मा की आवाज है
या फिर मेरे मन की आवाज है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए जो भी कभी अंदर से कोई आवाज आए कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर लेते हैं, ये सही है, ये गलत है, उसको नहीं सुनना चाहिए। उस विचार को अपने जो बाहरी जो गुरु है प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, उसको बताना चाहिए कि मेरे को ऐसे लग रहा है, ऐसे करना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा मन का विचार है या परमात्मा की आज्ञा है, तो आप बताएं। तो वो बताएगा कि नहीं, ये परमात्मा की आज्ञा तुम कर लो, या फिर वही बताएगा कि मन का विचार है इसके मत करो, ठीक है? तो उसको जरूर बताना है, अपने मन से डिसाइड नहीं कर लेना। और वैसे भी भगवान ने कहा तो है कि मैं बुद्धि देता हूँ, मैं विचार देता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो, लेकिन कब? तो भगवान कहते हैं कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति कृतम, ठीक है? तो उन लोगों को, किन लोगों को जो ये करते हैं, क्या करते हैं? तेसाम, उन लोगों को सतत युक्ता नाम, बहुत कड़ी मेहनत करके, सतत कंटिन्यूअस निरंतर क्या करते हैं, बड़ी मेहनत से निरंतर करते हैं, क्या भजताम प्रीति भजन, मेरा भजन करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत मेहनत से निरंतर जो मेरे हरे कृष्ण मंत्र का भजन करते हैं, जप करते हैं, और वो भी कैसे, भजताम प्रीति पूर्वकम, कैसे, प्रीति पूर्वक, डर से नहीं कि भगवान तो भगवान है, अब तो कर नहीं पड़ेगा, तो मेरा तो ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य समझ के नहीं, डर से नहीं, किसी भय से नहीं, किसी के कहने से नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक, भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए उसका नाम का जप कर रहे हैं। तो भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ, लव के साथ, प्रेम के साथ जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है और निरंतर सततम निरंतर करता है, बड़ी मेहनत के साथ करता है, दृढ़ तेषाम सतत युक्तानाम, बड़ी मेहनत के साथ निरंतर भगवान का भजन कर रहा है, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक कर रहा है, उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि अहम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उस व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ, कौन सी ये मांगते हो, कैसे मेरे पास आए, ये बुद्धि मैं उसको अंदर से देता हूँ, तो फिर उस व्यक्ति को मिलेगा, उस व्यक्ति को जो भगवान देंगे स्वयं अंदर से, क्योंकि इतनी मेहनत से कर रहा है, हम तो इतनी मेहनत से कर नहीं रहे, तो मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो बाहर जो हुए हैं उनसे जो मांगे आ गया, उनसे पूछे, उनसे पूछ के ही हर काम करें जीवन में, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, श्री प्रभुपाद की जय, की जय। तो 36 श्लोक तक हो गया है, इसके बाद जो है 37 से 44 तक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें ब्राह्मण और वैष्णवों का गुणगान किया जाएगा महाराज के द्वारा, तो ये जो है इसको हम कल करेंगे, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, आज खत्म नहीं हो पाएगा, फिर कल इसको पूरा करेंगे, और आज वैसे भी एक एकादशी है, बहुत सारे लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं ज्यादा, तो वो लोग अपना नाम जप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई छोटा सा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका माइक खोल के आप बोल सकते हैं अगर किसी का प्रश्न। हरे कृष्णा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। तो आप में से जो लोग माला कर रहे थे आज एकादशी का 64 माला का, जिन्होंने व्रत किया था और कर रहे हैं, अभी नहीं पूरा हो पाया है, तो वो लोग अभी जो है अभी फिर से जूम पे दूसरा वाला मीटिंग आईडी लगा के और ज्वाइन कर सकते हैं और जपा कर सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा, अभी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा, इसके तुरंत बाद 5-10 मिनट बाद हम वो वाला क्लास मीटिंग जपा वाला स्टार्ट कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों का अभी एकादशी का 64 माला आज का नहीं हुआ है, जो लोग का हो गया है और फिर भी ज्यादा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा, तो जैसे हमने 64 माला हर एकादशी पे 64 माला का जो व्रत किया है, तो वो लोग जरूर करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें, ठीक है? कल भी मैंने बताया था कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, माधव तिथि भक्तिर जननी जतने पालन करो, माधव तिथि एकादशी जो है
भक्ति की जननी है, जो एकादशी अच्छे से फॉलो करेगा, एकादशी में अच्छे से व्रत करेगा, वो व्यक्ति वो भक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि एकादशी क्या है, भक्ति की जननी है, भक्ति पैदा करेगी हमारे हृदय के अंदर कौन, एकादशी। तो भक्ति एकादशी करने का सबसे अच्छा तरीका है एकादशी में गोविंद के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप किया जाए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि हमारे महाराज जी ने कहा है कि सब लोग 64 माला कम से कम करें, ठीक है। तो इस तरीके से जिन लोगों ने नहीं कर पाया अभी, वो लोग भी ग्रुप में जो अभी मीटिंग आईडी डाली गई है जपा वाली, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी बहुत समय बाकी है, ठीक है। हरे कृष्णा ग्रंथराज भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, योगिनी एकादशी का नाम की जय।